मैं हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदिया बंसल, प्रैक्टिसिंग इन विद्याधर नगर जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे एक्ने यानी पिंपल के बारे में, जो कि हम हिंदी में कॉमनली मुहासे के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुहासे क्यों होते हैं, किन कारणों से होते हैं, मुहासे अगर हो जाते हैं तो त्वचा की देखभाल हमें किस तरीके से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुहासों का मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मुहासे क्यों होते हैं। मुहासे इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपकी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स हैं वो उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उनका रास्ता ब्लॉक होने की वजह से जो अंदर का ऑयल है वो इन्फेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मुहासे होते हैं। हम कारणों की बात करेंगे तो कारणों में जो हम देखें तो फैमिलियल रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न है। 80-85% लोगों में 11-35 की उम्र में एक्ने ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो, अगर आपके पेरेंट्स में अगर एक्ने रहा है तो आप में एक्ने होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा जो सबसे मेन कारण अगर हम बात करें तो हार्मोनल रहता है। हार्मोनल में इसलिए जैसे ज़्यादातर हम एक्ने टीनेज में देखते हैं। टीनेज में पिंपल सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर अपने हॉर्मोन्स पीक पर होते हैं, जैसे कि एंड्रोजन लेवल अपना बढ़ जाता है। इसलिए मेल्स में भी कॉमनली हमें एक्ने देखने को मिलते हैं क्योंकि मेल्स में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। फिर हम बात करें फीमेल्स में पीरियड से पहले जनरली एक्ने बढ़ जाता है क्योंकि पीरियड से पहले अपने हार्मोन्स पीक पर होते हैं। मैं बताना चाहूँगी स्पेशली फीमेल्स को जिनको पिंपल के साथ साथ अगर अत्यधिक बाल झड़ रहे हों या वेट गेन की समस्या हो या गर्दन के आजू बाजू में कालापन हो तो उन्हें अपना डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर हार्मोनल वर्कअप जरूर कराना चाहिए क्योंकि आजकल पीसीओडी की समस्या काफ़ी कॉमनली देखी जा रही है। सो, हमने फैमिलियल रीज़न डिस्कस किया, देन हॉर्मोन्स डिस्कस किया, देन उसके अलावा बहुत से कारण होते हैं जैसे कि धूप। कुछ लोगों को धूप में जाने के बाद भी मुहासे काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट में ना निकलें और सनस्क्रीन लगा के ही निकलें। सनस्क्रीन आपके डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस पे ही आपको यूज़ करना चाहिए, हो सके तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें हम डाइट की, तो डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है एक्ने में, क्योंकि कुछ लोगों को दूध से, एग से, चीज़ या दूध से बनने वाली वस्तुओं से एलर्जी होती है, तो ऐसे में ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है और उसको लेने के बाद आपके पिंपल्स बढ़ रहे हैं। तो फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस वैसे तो सभी को होता है, पर स्ट्रेस लगातार रहने की वजह से आपके जो एंड्रोजन हॉर्मोन्स है या स्टीरोइड कोर्टिसोल हॉर्मोन है वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से पिंपल्स होता है। तो उसके लिए अच्छा रहता है कि अगर आप एक्सरसाइज करें या स्ट्रेस रिलीविंग चीज़ें करें। उसके अलावा अब मैं बताना चाहूँगी कि एक्ने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग एक्ने में बार बार चेहरा धोते रहते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। दो बार हमें फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, जो कि फेस वॉश में भी जिसमें बेंजोइल परोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉश हमें यूज़ करने चाहिए। अगर अत्यधिक फिर भी आपको ऑयल महसूस हो रहा है स्किन पे, तो उसको या तो टिश्यू से वाइप करिए या फिर सादे पानी से आप अपना चेहरा धो सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत स्क्रब करने की, सो प्लीज़ आपका स्किन एक्ने में ऑलरेडी इरिटेटेड है, उसको बार बार स्क्रब करके और परेशान ना करें। सो डोंट यूज स्क्रब फॉर एक्ने। देन आता है अपना, अगर कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर फेशियल मसाज या फेशियल ले लें क्या पिंपल है, तो फेशियल ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। इनफेक्ट फेशियल नहीं करना चाहिए क्योंकि फेशियल से मसाज से पिंपल इरिटेट हो जाते हैं और वो और बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल केयर की, तो बालों में कुछ लोग रात को ओवरनाइट हेयर ऑयल करके छोड़ देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हेयर ऑयल यूज़ करना है तो हेड वॉश से 2 घंटा पहले यूज़ करना है, उसके बाद आप अपने बाल धो सकते हैं। ओवरनाइट रखने से वो तेल आपके चेहरे पे आ जाता है, आपकी पीठ पे चला जाता है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स और भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं तो वो भी जेल बेस्ड यूज़ करना है। जैसे कुछ लोग मेकअप का पूछते हैं स्पेशली,
मेकअप में अगर हम बात करें तो हमेशा जेल बेस्ड मेकअप यूज़ करना चाहिए, ऑयल बेस्ड मेकअप यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयल बेस्ड मेकअप से आपका जो पोर्स हैं वो और भी ब्लॉक हो जाते हैं और पिंपल्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से। सो ये हमने बात की कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डाइट का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डाइट में आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे पिंपल के ट्रीटमेंट की। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में बात करें तो सबसे पहले जो फेस वॉश वाला मैंने आपको बताया था वो आप सैलिसिलिक कंटेनिंग या बेंजोइल परोक्साइड कंटेनिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा रहेगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ही हम कुछ क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं जिनमें बेंजोइल परोक्साइड या क्लिंडामाइसिन रहता है, क्योंकि बेंजोइल परोक्साइड जैसी क्रीम्स से थोड़ा बहुत इरिटेशन हो सकता है। तो इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बिना घर पर ये क्रीम यूज़ करने से आप परेशान हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो माइल्ड एक्ने में जैसे हमने फेस केयर डिस्कस किया, उसके अलावा मॉडरेट एक्ने में भी डर्मेटोलॉजिस्ट जनरली गिव सम एंटीबायोटिक्स लाइक डॉक्सीसाइक्लिन। सो अगर किसी को ज़्यादा एक्ने हैं तो एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के साथ ही। और किसी को बहुत ज़्यादा एक्ने हैं जो कि ठीक नहीं हो रहा है क्रीम्स लगाने से, फेस वॉश से, तो फिर आइसोटेटिनोन एक चीज़ है, एक ड्रग है जो यूज़ करते हैं, बट वो कभी भी आप खुद से होकर यूज़ ना करें क्योंकि उसकी बहुत सी इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं। वो सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर ही यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट। मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेनली एक्ने क्यों ज़रूरी था, एक्ने पे हमारा बात इसलिए ज़रूरी था कि एक्ने अगर आप जैसे हाथ से फोड़ते हैं कुछ लोग, प्लीज़ हाथ से एक्ने बिल्कुल मत फोड़िए क्योंकि उससे काले निशान और स्कार्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हमें एक्ने को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि आजकल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा है। बच्चे टीनेज में, एडल्ट्स डिप्रेशन में भी चले जाते हैं पिंपल की वजह से। तो इसलिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेकर तुरंत इलाज लें। धन्यवाद। To book an appointment with a cosmetologist or a dermatologist in your area, please visit www.skinandhairacademy.in.